Hello students, today we will start examples of Riemann-Stieltjes integral. Today we start first example. Let fx equal to x alpha x equal to x plus greatest integral function, then prove that 0 to 10 fx d alpha x equal to 105. Beta, ye prove by definition and by integration by parts. Both method ke sath kar raha hu. फर्स्ट बेटा डेफिनेशन क्या आती है, ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई मींस लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एस पी एफ अल्फा। देन बेटा लेट हमें इंटरवल क्या गिवन है बेटा, 0 से 10 तक। डिवाइड पार्टीशन, लेट पी इज ए पार्टीशन 0 ओके 1 by n, 2 by n, up to 10 n by n, मैंने partition ले ली, ये x naught, x1, x2, last, xn, so sp f alpha equal to summation I equal to 1 से लेके 10 n, f ti, बेटा यहाँ पे, ti, delta alpha i, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन ओके बेटा यहाँ पे एक्स आई किसके इक्वल है आई पॉन एन, तो यहाँ पे क्या है बेटा एंड टी आई किस में बिलोंग कर रहा है बेटा एक्स आई माइनस वन एक्स आई। आप टी आई को बेटा एक्स आई माइनस वन भी रख सकते हो टेक और एक्स आई भी रख सकते हो। सपोज मैं टेक टी आई को क्या रखा बेटा एक्स आई, तो यहाँ पे क्या बना समेशन आई इक्वल टू वन से लेके टेन एन एक्स आई ओके अल्फा एक्स आई अल्फा एक्स आई अल्फा आई पॉन एन माइनस अल्फा आई सॉरी अल्फा की वैल्यू जो मोमेंट पुट करते हैं आई माइनस वन पॉन एन ओके समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई किसके इक्वल बेटा आई पॉन एन ओके। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप, अल्फा एक्स आई पॉन एन प्लस आई पॉन एन का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस आई माइनस वन पॉन एन माइनस आई माइनस वन पॉन एन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। वी राइट समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक आई पॉन एन बेटा आई अपॉन एन कैंसल वन अपॉन एन प्लस आई अपॉन एन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस आई माइनस वन अपॉन एन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। सो वी राइट समेशन आई इक्वल टू वन से लेके टेन एन है बेटा यहाँ पे ओके वन अपॉन एन स्क्वायर आई प्लस समेशन आई इक्वल टू वन से लेके टेन एन आई पॉन एन इंटू आई पॉन एन माइनस आई पॉन वन पॉन एन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। बेटा ये लिख लिया इसको मैंने, हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सॉल्व फर्स्ट देखो देखो बेटा समय वन पॉन एन स्क्वायर समेशन आई आई की वैल्यू वन से लेके टेन एन वन अपॉन एन स्क्वायर वन प्लस टू अप टू टेन एन यू नो समेशन एन इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू बेटा कैंसल फाइव इंटू टेन प्लस वन बाय एन ओके इसको नंबर टू लिख लीजिए आप। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आ रहा है बेटा, थोड़ी सी ध्यान से करनी है बेटा ये कैलकुलेशन। समेशन आई इक्वल टू वन से लेके टेन एन आई पॉन एन आई पॉन एन माइनस आई माइनस वन पॉन एन ओके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इसकी वैल्यू पुट करने के लिए, देखो आप। तो फर्स्ट बेटा मैं आई की वैल्यू वन से लेके ठीक है अप टू एन माइनस वन तक पुट करता हूं, तो आप देखो इन दोनों की वैल्यू जीरो है। देखो बेटा
जब आई की वैल्यू वन से लेके एन माइनस वन तक है, एन माइनस वन बाय एन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वन माइनस वन बाय एन, वन माइनस समथिंग वैल्यू 0.9, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? जीरो। ऐसे ही है बेटा, एन माइनस टू पॉन एन, वन माइनस टू पॉन एन, तो ये वैल्यू भी क्या बनेगी? जीरो। मीन्स वन से लेके एन माइनस वन तक इसकी वैल्यू जीरो बन गई। अब आगे बेटा मेरे पास क्या रहा बेटा, n से लेके 10n i पॉन n, i पॉन n माइनस i माइनस 1 पॉन n द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। ओके, देखो बेटा ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। अब मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं, देखो मुझे जरूरत है इसकी इसकी कैलकुलेशन की, तो मैं कैसे करूंगा सॉल्व? देखो प्लीज थोड़ा ध्यान से करनी है बेटा इसकी कैलकुलेशन। आप देखो बेटा यहां पे इक्वल टू, पहले मैंने एन पुट किया, यहां पे क्या रहा बेटा देखो, एन बाय एन, ओके, एन बाय एन माइनस एन माइनस वन पॉन एन, ओके, प्लस एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस एन प्लस वन पॉन एन, ओके, अप टू टू एन तक चले जाओ बेटा, टू एन पॉन एन, टू एन प्लस वन पॉन एन, सॉरी टू एन पॉन एन, ओके, माइनस टू एन माइनस वन पॉन एन। क्लियर है बेटा, मैं एन से लेके टू एन तक लिखा पहले, अब 2n माइनस वन तक लेना बेटा, 2n माइनस वन अपॉन n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, मैंने ये लिखा। मैं n से n प्लस वन, n प्लस टू, अप टू 2n माइनस वन तक लिख दी टर्म बेटा। अब नेक्स्ट मैं 2n स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो 2n से 2n अपॉन n, क्योंकि 10n तक ना n से पहले 2n माइनस, 2n फिर 2n से 2n माइनस 3n, ऐसे चलूंगा बेटा मैं। 2n by n minus 2n minus 1 by n plus 2n plus 1 upon n 2n plus 1 upon n minus 2n upon n, okay, last up to 3n minus 1. थ्री एन माइनस वन अपॉन एन माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन एन, ये ले दिया बेटा। उसके बाद अब थ्री एन बाय एन, थ्री एन बाय एन माइनस थ्री एन माइनस वन बाय एन प्लस थ्री एन प्लस वन बाय एन, थ्री एन प्लस वन बाय एन माइनस थ्री एन बाय एन अप टू 4n माइनस 1 बाय n, 4n माइनस 1 बाय n माइनस 4n माइनस 2 बाय n अप टू 9n अपॉन n, 9n अपॉन n माइनस 9n माइनस 1 अपॉन n प्लस 9n plus 1 upon n, 9n plus 1 upon n minus 9n upon n up to 10n minus 1 upon n, 10n minus 1 upon n minus 10n minus 2 upon n, लास्ट बेटा 10n upon n, 10n upon n minus 10n minus 1 upon n, बेटा ये लिख दिया। अब बात करते हैं बेटा इनकी वैल्यू की। देखो n upon n फर्स्ट वैल्यू पे आ जाओ, n upon n कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखो बेटा 1। आगे 1 minus, देखो बेटा
एन माइनस वन अपॉन एन है, एन माइनस वन अपॉन एन, इसको ऐसे लिख लो वन माइनस वन बाई एन, ये क्या हो गया बेटा जीरो। तो वन माइनस जीरो क्या आ गई वैल्यू बेटा, अब यहां पे आ जाओ बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो रही थी देखो, अब इसकी वैल्यू एन प्लस वन बाई एन, वन प्लस वन बाई एन मीन्स वन माइनस वन, क्या होगी बेटा इसकी वैल्यू जीरो। अब यहां पे आ जाओ, टू माइनस वन बाई एन, टू माइनस टू बाई एन, टू माइनस वन बाई एन टू, टू माइनस टू बाई एन टू, सॉरी टू माइनस वन बाई एन वन, टू माइनस टू बाई एन वन, वन माइनस वन जीरो, और ये सभी वैल्यू क्या होगी जीरो, ये तो हो गया पूरा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे टू, यहाँ पे कितना है देखिए बेटा, टू माइनस वन बाई एन द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, तो वन पॉइंट समथिंग, वन पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन इंटीजर वन, तो टू माइनस वन कितना हुआ वन, आगे क्या पड़ा है टू, तो यहाँ पे क्या आ गया टू। ओके अब ये जीरो हो रहा है, देखो टू प्लस वन बाई एन माइनस टू प्लस वन बाई एन द ग्रेटर देन इंटीजर टू, टू माइनस टू जीरो, सभी जीरो बन जाए, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा थ्री, देखो थ्री माइनस वन बाई एन ये टू हो गया, थ्री माइनस टू वन, तो वैल्यू क्या आ गई थ्री, ये जीरो बन गया, देखो थ्री प्लस वन बाई एन थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, ऐसे ये जीरो बन जाएगा। अब आगे क्या आएगा बेटा यहाँ पे नाइन, लास्ट में क्या आएगा टेन, तो यहाँ पे क्या बना बेटा समेशन एन की वैल्यू टेन, टेन प्लस वन बाई टू कितना हुआ बेटा फिफ्टी फाइव। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेटा, अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाय डेफिनेशन बेटा, देखो डेफिनेशन क्या आती है बेटा, यहां पे लगा रहा हूं मैं, देखो बेटा जीरो से टेन एफ एक्स डी अल्फा एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एस पी एफ अल्फा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा फाइव, ये तो इन्फिनिटी हो गया वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ये क्या बना बेटा फिफ्टी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है फिफ्टी फाइव, क्या बना बेटा वन जीरो फाइव। ये था बेटा बाय डेफिनेशन, यदि यही क्वेश्चन हमने इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो कैसे करना है बेटा, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद है ना रिजल्ट क्या था बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मैं थ्योरम प्रूव की है, उसका रिजल्ट क्या था बेटा ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स इक्वल टू एफ बी अल्फा बी माइनस एफ ए अल्फा ए माइनस ए टू बी अल्फा एक्स डी एफ एक्स। तो यहां पे क्या बेटा जीरो से टेन एफ एक्स डी अल्फा एक्स एफ टेन अल्फा टेन एफ जीरो अल्फा जीरो माइनस जीरो टू टेन अल्फा एक्स एक्स प्लस ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन डी एक्स। ओके मेरे पास ये ओके अब एफ टेन, एफ टेन कितना हुआ टेन अल्फा टेन, टेन इंटू टेन ट्वेंटी एफ जीरो जीरो माइनस जीरो टू टेन एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू टेन ग्रेटर देन इंटीजर एक्स डी एक्स। ओके 200 माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स की वैल्यू 100 माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा देखो जीरो से टेन ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन, आपको मालूम है जीरो से वन के बीच में ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है जीरो, वन से टू के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है वन, टू से थ्री के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है टू, लास्ट नाइन से टेन के बीच में क्या वैल्यू होती है नाइन। यहां पे क्या आ गया जीरो, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू माइनस वन वन, यहां इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा टू एक्स टू एक्स थ्री माइनस टू टू अप टू नाइन, तो फॉर्मूला नाइन नाइन प्लस वन बाय टू फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव
200 माइनस 50 माइनस 45 105। ये थी मेरी बेटा फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको एग्जांपल करवाऊंगा बेटा इससे रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।